everybody. My name's Sharbano. I'm a third year dental student. Hopefully fourth soon if I pass my exams. But I'm at Altamish right now and I work at Huser. On to Arham. Well, this is Sayed Arham Ahmed and I'm a final year student at DUHS. And he's also our in-house resident PMDC and PMC representative. तो मैं नहीं बोलूँगी, but I would say maybe hater at one point. हाँ, काफी लोगों का ये भी सोचना है कि मेरी personal कोई नफरत है PMC के साथ. नहीं, हम convinced हैं personal नफरत है actually. Arham doesn't like to admit it, but we know that it's there. अभी मेरी degree PMC से आनी है, बाद में बात करेंगे इस चीज़ पे. But we appreciate it and PMDC, PMC, please don't come for Arham. Okay, so if we're already on the topic with PMC and PMDC, so let's talk about that. You to have so much experience with them, and I mean 2017, 2018, right? That's when you had your cases. Personally, I have like itna experience nahi hai, obviously because mere MCAT se 2 hafte pehle PMDC dissolve ho gaya tha, which is a very common occurrence actually with the students of last year, I think as well. So like, let's talk to me about it. What was the case? What led to it? I think at this point, everyone is familiar with PMC or PMDC के जो issues हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी students, खास तौर से उनके parents भी, जब अपने आप को MD cat के लिए enroll वगैरह करवाते हैं, तो उनके seniors वगैरह उनको पहले से इस के बारे में बता देते हैं कि आपका ये PMC versus PMDC का issue आएगा. Yeah. ये PMC versus PMDC का issue है क्या? मैं इस पर थोड़ा सी पहले बात कर लेता हूँ कि बेसिकली PMDC और PMDC बहुत आपका एक ही सिस्टम था. पहले PMDC हुआ करता था, वो एबॉलिश हो गया, फिर PMC आ गया. PMDC का काम क्या होता था? PMDC यूज टू टेक एग्जाम, जो ये MCAT का एग्जाम होता था, PMC वो लेता था NTS के थ्रू. NTS वॉज द बॉडी जो कि टेस्ट लिया करती थी. PMDC वॉज द अथॉरिटी जो कि हर चीज़ कंट्रोल कर रही होती थी. PMDC के हाथ में आपकी डिग्री भी होती थी और PMDC के हाथ में यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी वगैरह हर चीज़ होती थी. ठीक है, लेकिन PMDC जो थी वो एक प्रोविंशियल बॉडी थी. ओके, किस प्रोविंस की? सिंध की. सही है, तो हर प्रोविंस की अपनी अपनी बॉडी हुआ करती थी पहले. मेक सेंस. और PMDC जो थी वो सिर्फ एक सिंध की बॉडी थी जो कि सिंध में होने वाले MCAT को ऑथोराइज करती थी, कंट्रोल करती थी और स्क्रूटनी करती थी या ओवरसी करती थी या सुपरवाइज करती थी. आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको उसके लिए कन्वीनियंट लगे. फिर हुआ ये कि 2019 में PMC का स्टार्ट हुआ. जैसा आपने बताया कि आप, मेरे ख्याल 2019 में ही दिया होगा एग्जाम, तो उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ कि PMC आ रही है और PMDC का ऑफिस बंद हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी साथ लेकर आई तो काफ़ी कॉन्स भी अपने साथ लेकर आई. ठीक है, जैसे PMDC के एबॉलिश, अचानक से एबॉलिश होने से क्या हुआ? 2019 में तो मेरे ख्याल से PMC ने एग्जाम नहीं लिया था. 2019 में जब PMC आ भी गई थी, PMDC का ये रूमर स्टार्ट हो चुका था कि PMDC को खत्म कर देंगे. लेकिन हमारे टाइम वाले दे स्टिल टुक इट. अगले साल भी 2020 की बात है ये. एंड दैट वाज द ईयर व्हेन आई एक्चुअली लाइक पेटिशन द केस, जो के आरहम रियली बिकेम अ नाइटमेयर फॉर देम. आई हैड टू, समवन हैड टू. और इसकी मेन वजह यही थी कि I had a lot of students under me who used to like talk to me and take guidance and I used to guide them कि पढ़ना किस तरीके से है, क्या क्या करना चाहिए. एंड क्योंकि मैं 2017 में केस लड़ा था तो आई वॉज लाइक फेमिलियर कि ये जो अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट के फेवर में नहीं है. अगर आपको कोई इस डायलेमा में आप रह रहे हो कि ये जो एक पर्टिकुलर बॉडी है ये आपके अपने फेवर के लिए, ऐसा नहीं है. ओके, या ये अपने फायदे के लिए आती है. और हमको बहुत एक्सपीरियंस है इसके साथ. ये मतलब आप लोग भी, आप देखो ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका फायदा करेंगी? True, ये अपने फायदे के लिए ही आती हैं. ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होता. बिजनेस है, आई मीन वेयर द कंज्यूमर्स और वो चला रहे हैं बिजनेस. तो बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, हुआ 2020 में ये, आई हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट अंडर मी और हर कोई PMDC के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद PMDC का प्रोसीजर वगैरह क्या था. दे यूज्ड टू टेक एग्जामिनेशन थ्रू NTS और एक अपनी सिंध की बुक से एग्जाम आया करता था. देयर स्टिल यूज्ड टू बी क्वेश्चंस फ्रॉम ए लेवल्स और बट स्टिल द बहुत कम दो बहुत कम 80% एग्जाम यूज्ड टू बी फ्रॉम द सिंध. किताब में कुछ गलत भी लिखा होता था, दे वुड ask you that and you had to mark it wrong. Exactly. I remember entropy ka question tha hamare time mein and it was very evidently incorrect in the Sindh book and not coming for the Sindh board books at all. Like, I mean, achhi kitab hai, I'm sure. Lekin, like, I remember our teachers telling us ki nahi, jo galat hai, wo bhi kar lo. So it was very much to the T of the Sindh board book. तो अब होता क्या था कि अब हर कोई सिंध के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है ना. शर्बानो, लाइक इफ यू पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन, लाइक इमेजिन योरसेल्फ, यू आर द स्टूडेंट 2020. ठीक है,
यू हैव बीन स्टडिंग सिंध बुक्स, आप आते हो अगस्त के करीब, सही है, पीएमसी भाई ऐलान करते थे मैं एग्जाम ले रहा हूँ चलो आप एग्जाम लो, हमें सही मसला नहीं है, आप एग्जाम लेने के साथ ये भी ऐलान कर देते हो कि फेडरल से पेपर आएगा। ओह गॉड, नाउ इमेजिन कि स्टूडेंट जो के गुजर रहा है इस फेस से, उसके वो क्या करे, वो उसको पता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली और हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे भी थोड़ा सा एक ये भी है जो कि मुझे इशू लगता है कि जो हमारे बड़े हैं दे नेवर एनकरेज्ड किड्स टू स्टैंड अप एंड आस्क फॉर जस्टिस, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है या कॉन्सेप्ट जो कि हमारे सराउंडिंग में है कि जितने भी ये डिसीजन वगैरह होते हैं दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्ट्स और दे कैन नॉट बी overturned by any like authority once they are taken. It's the complacency I think jo hum logon mein hai, ab like ab ho gaya to ho gaya, that's it, we're over it now, which is wrong. Yeah, true, 100% 100%. I think ke agar ek cheez galat chal rahi hai, someone needs to stand up for it. Yeah, no, I agree. Agar aap nahi khade hoge na, aapne baat soch li yaar main nahi khada ho raha, dusra khada ho jayega, to dusra shakhs wo bhi to yehi soch raha hai, that's true, that's true, teesra shakhs khada ho jayega, teesra bhi yehi sochega, and this, the chain goes on. And we have been like, we can see where Pakistan is today. Yeah, true. All thanks to that mentality. Let's not get into the politics of it. No, this mentality is the one that grows. No, 100%, I agree. Now, one thing was that I knew that in 2017, I had a stand liya and I knew ke how things work. And I decided that this is not the right thing. Yeah. And let's do something about this. Yeah. Okay? I started social media protests. I compiled students. I gathered a lot of students. And then we then just went to the court and then filed the case. Jibran also fought the case for us. And for free. He approved on a case. He did not take money for the first case. He did it for free. Or all praise to him, to be very honest. That was a very right thing to do for students. Because when we were in 70 case, we paid. ठीक है? And then for some social activists to stand up because jo ye wala case na MCAT ka, ye 2020 se pehle bahut neglect hua karta tha, they never used to get media attention, they never used to get the social media attention, and then in 2020 like people started standing up for it and became something crucial ke haan, we need to say something about this. So 2020 mein ye cheez start hui, we stood up, we fought the case, and then the case jo uspe hua ye ke PMDC wale piche back off nahi kar rahe the, PMDC said ki hum apna exam lenge, और पीएमसी वाले कहते हैं अपना एग्जाम लेंगे, अब एक टग ऑफ वॉर बन गई थी दो एक दो अथॉरिटीज के बीच में, और बीच में टग ऑफ वॉर के बीच में स्टूडेंट्स, या ट्रू, इट वाज लाइक फ्यूचर्स, अब उनका फ्यूचर तो आप एक गैम्बल पे रख रहे हो ना, आप अपनी आपस की लड़ाइयों में, या तो हमने किया बेसिकली यही था कि पहले जो सिंध का टेस्ट था वो कैंसिल करवा दिया था क्योंकि पीएमडीसी तबाह हो चुकी थी, पीएमडीसी खत्म थी, ठीक है, उस टाइम तक तो पीएमसी वाज़ द बॉडी जो कि टेस्ट टेकिंग बॉडी थी, जो कि आपके पास लॉ वाइज वही ठीक थे उस टाइम पे, क्योंकि उसका पीएमडीसी नहीं था, ठीक है, तो पीएमसी को ही टेस्ट लेना था, तो वी बेसिकली अब दो टेस्ट होने से बेहतर था कि एक टेस्ट हो जाए, तो हमने पहले पीएमसी जो पीएमडीसी का टेस्ट था वो कैंसिल करवाया, विच वॉज ऑन 18th of August आई थिंक, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, शायद अक्टूबर था या अगस्त, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से अगस्त था, ठीक है, और वो पहले थोड़ा डिले हुआ, फिर वो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि पीएमसी विल टेक द टेस्ट, एंड देन पीएमसी की गाइडलाइन के हम इस हमने पहले फिर प्रेशराइज किया पीएमसी को टू रिलीज द गाइडलाइन, क्योंकि जो उन्होंने गाइडलाइन दी थी उसमें बहुत सारे फेडरल के टॉपिक्स थे, देन वी प्रेशराइज पीएमसी थ्रू कोर्ट्स, एंड दैट इज द राइट वे, एंड दैट इज समथिंग दैट आई विल टेल एवरीवन इन द फ्यूचर एज वेल, टेक द राइट अप्रोच. Yeah, for sure, for sure. If you are gonna take like आपने फैसला कर लिया कि मैं कुछ खड़े होकर किसी चीज का लड़ने जा रहा हूँ, तो take the right approach. Yeah. Do not go for wrong methods. मीडिया पे इंटरव्यूज देना या अटेंशन गेन करना या प्रोटेस्ट करना हर चीज ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन. कोर्ट्स आर द सोल्यूशन, ठीक है, और कोर्ट्स जाओ, डायरेक्ट केस करो, डायरेक्ट बात करो, अगर आप लॉ वाइज ठीक खड़े हो, you will get the justice, ठीक है, makes sense, makes sense, and that is something that I'll tell even in the future, जब एक चीज आगे होती है, जैसे इस साल भी बहुत आपने देखा issues वगैरह थे, there were a lot of posts about in this in social media and everything, but no one went to the case, like no one like filed the case, ठीक है, court जाना, so I can put up Arham's number somewhere here, I'll ask like Danish to edit it in, and he'll help you guys out with that. तो ये था जो 2020 का केस था, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर
टेस्ट डिले होकर नवंबर 26 तक चला गया था, विच वाज अ ड्रास्टिक डिले एंड पीपल गॉट द टाइम टू स्टडी एंड देन दे स्टडीड एंड देन दे गॉट इनटू यूनिवर्सिटीज अल्हम्दुलिल्लाह, विच वाज अ वेरी नाइस थिंग कि एक खुशी होती है अभी भी सोच के कि यार वी डिड समथिंग. या दैट्स ट्रू. सेटिस्फेक्शन है कि वी डिड समथिंग. दैट्स ट्रू 100%. ओके, मतलब हर 10 में से ना तकरीबन एक बच्चे का एडमिशन हो रहा है. yeah. सही है. अगर हम सिंध के अंदर ही देख लें, आपके सिंध के अंदर इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आपको खुद भी पता है. मेरा तो पॉइंट जो है ना ये कैलकुलेशन का, वो ये नहीं मैथ चेक करूँ मैं आपकी, मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये चीज़ बताऊँ कि देखो मेजॉरिटी बच्चों का एडमिशन नहीं होता. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. और उसमें मसला ये आता है कि जब मेजॉरिटी बच्चों का एडमिशन नहीं होता ना, दे बिकम इग्नोरेंट और वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते एंड देन दे ब्लेम द सिस्टम. आई नो द सिस्टम इज रॉन्ग. I'm not saying the system is not wrong. Aram will get the system is wrong tattooed on his forehead. The system is wrong, but the thing is that you are wrong as well. No, 100%. I agree. अब मैं I know a lot of students जो के जिन्होंने तैयारी की, उन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है. अब I know के वो मुझे आगे बोल रहे हैं कि टेस्ट में ये सवाल मुश्किल आया था, ये सवाल आउट ऑफ कोर्स आया था, ठीक है. इस साल भी यही हुआ. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेइंग के आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आए, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आए. मेरा सवाल ये है शैबानो, आउट ऑफ कोर्स कितने क्वेश्चन थे? लाइक 20 तक तो थे. ओह अच्छा, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ किड्स आई रिमेंबर वर लाइक के देयर वाज लाइक 30% ऑफ द पेपर वाज आउट ऑफ द थिंग. चलो मैं बात कर लेता हूं. 30 क्वेश्चंस. 20 बोले तो ना, 30 कर लेते हैं. या 30 क्वेश्चन बाहर से हैं. आपके 170 स्कोर आ गया. नहीं आया ना 170. इट्स ट्रू. इट्स हार्श रियलिटी बट इट्स ट्रू. मेरा जो कहने का जो मकसद है ना इस बात का, वो ये है कि हमेशा जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वुमन जिनका एडमिशन हुआ है, ठीक है. और हर किसी को ना उस पर मतलब चलती हुई गाड़ी में जलांग मारनी बड़ी अच्छी आदत है हमारे यहाँ लोगों को कि भाई लोगों ने बोलना शुरू किया टेस्ट बाहर से आया, टेस्ट मुश्किल आया है या फिर टेस्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं. आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ देम, बट द थिंग इज के इतनी नहीं आई जितनी आपने कही है. Yeah, like it doesn't decide like your entire grade or anything. I mean, yeah, of course, वो थोड़ा कम कर देता है. सवाल हमेशा से बाहर आते थे शर्मानु. सवाल हमेशा क्वेश्चन वो हमेशा से बाहर आते थे. मैं NTS एग्जाम दिया था मैंने अपने टाइम में, 100 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस A levels के आते थे. Yeah. Yeah. क्यों नहीं आएंगे, आते थे पहले भी आते थे. Yeah. But again, what I've realized is it's not something that's like out of concept at least. Like that's something. यही मेरा पॉइंट है. अगर आपने मैंने PDS वगैरह गो थ्रू किए काफी क्वेश्चंस वगैरह के, जब people were like saying they are out of course, they are out of course, they are out of course, I had to go and like check the course. भाई ऐसा 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 क्या दे दिया उन्होंने जो बिल्कुल completely out of course आ गया. Yeah. ये लकीर का फकीर तो बनने का किसी ने भी नहीं बोला आपको MCAT में. MCAT is more about concepts ना. Yeah, 100%. And I feel like everything in life like you can't just rutta it, you know. आपको concept बना है MCAT में, लेकिन concept भी है. True. अब अगर वो एक concept के ही concept में सवालात पूछ रहे हैं, so that doesn't mean कि they are out of course. ठीक है, तो I think एक तरीके से हमने एक अच्छा काम भी किया था. We taught people how to stand up and I think कि हमने एक गलती ये भी कर दी थी कि now हर साल एक जी चीज़ आ गई है कि बस गलत आया. Yeah. गलत आया, गलत आया, गलत आया. True. ये चीज़ गलत हो गई है. Yeah, 100%. जो मेरा पॉइंट है ना, तो इस साल भी चीज़ें गलत थी, दे हैव इम्प्रूव्ड. आई वॉन्ट से दे हैवन इम्प्रूव्ड. या क्योंकि फ्रॉम द टाइम जो मैं देख के आया हूँ ना 2020 में, दे हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड. And I think that is credible. Of course it is. And obviously, आगे जाके there can be more improvements made. And like अभी तो खैर जहाँ पे बात जा रही है, I think के अगर हम इस चीज़ से बात करें कि हो सकता है PMDC take over कर ले आगे जाके, ठीक है. This one of my question ना. Huh? This is one of your questions ना. Yeah, it is. Like talk about this only. Like how do you think that they can get better आगे जाके? Like it will like PMDC come back? Like what's the whole situation with that? तो इसमें ये है कि PMDC का आने का है. जब मैंने केस, अब तो मैं केस वगैरह नहीं लड़ता, देयर आर अदर पीपल. प्लीज वी विल कोट अरहम ऑन दिस. अब मैं केस वगैरह नहीं लड़ता, सो द अदर पीपल लाइक जो दूसरे हैं, दे हैव टेकन अ प्लेस. ठीक है, आई एम एक्चुअली लाइक प्राउड ऑफ देम. या अरहम की प्रोडिजी. नहीं, दे आर नॉट प्रोडिजी, बट दे आर स्टिल लाइक दे हैव टेकन थिंग्स इन कंट्रोल एंड दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट थिंग्स. जो चीज गलत होती है दे स्टैंड अप फॉर इट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड आई एक्चुअली फील प्राउड व्हेन आई सी देम डूइंग दिस. ठीक है, तो अब उन्होंने जहाँ तक मुझे नॉलेज है, PMDC का जो बिल वगैरह पास हो चुका है असेंबली में, एंड इन नियर फ्यूचर मे बी PMDC टेक्स ओवर, तो PMC माइट गेट आउट ऑफ द वे. या
और पीएमडीसी आ जाए, पीएमडीसी कम्स बैक दैन इट मीन्स के द टेस्ट विल प्रोविजनल अगेन बिकॉज एवरी प्रोविंशियल असेंबली विल पास बिल फॉर द रेलिवेंट अथॉरिटीज एंड दे विल गेट देयर राइट्स बैक एंड पीएमसी विल गेट लॉस्ट एट लीस्ट फ्रॉम सिंध फॉर नाउ. Yeah. I don't know about other provinces that well, but for Sindh, yeah. the PMC might yeah. get away or go aja. Yeah, and I think that that's great because a lot of people don't realize is ki like provincial jab hum bolte hain why it's so important, at least what I felt was ki when I was looking into the federal board books as well, I saw the difference in the material, even book ki quality to matlab I won't even go there because this has been my rant since I was giving my MCAT. Book quality ki difference is so much, like paper hi alag hai and itna khoobsurat paper hai federal ki board ka, rang barangi kitabein hoti hain and it's really sad that Sindh board books aren't up to that par, you know, but I think it's really important to know ki material mein bhi bahut difference tha from what I remember. You know, वैसे ये वाले चीज़ मैं वहाँ कवर कर लूँगा. Yeah, yeah. We're of course going to get into the how to study. I'll cover this thing there. लेकिन मैं ये नहीं बात बोलूँगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. हाँ, क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, बहुत है. लेकिन ज़्यादा कंटेंट की बात है ना, तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. ओके, ठीक है. जैसे चीज़ें हैं, अगर आप ये बात बोलें कि एक जगह ईस्ट और एक जगह वेस्ट, ऐसा डिफरेंस नहीं है. ऑफ कोर्स दे आर बोथ वेस्ट. Yeah. But maybe it's just phrased better, diagrammatic representation. So like it, I would just say it was obviously much easier for me to study from federal board books, but at the same time like it's good knowing ki ek hi kitab se ab padhna hai. Because if you're in that place where you're like I have 300 books to study from, like where do you aap apne aap ko kitna thin spread kar sakte over these things? And that's quite hard. Okay, we're going to move on to I think something else. You are at a government university right now, right? I mean Altamash is semi private, so I don't think it really counts because we do give our exams with Jinnah. Lekin with government universities, one of the main thing is ki like where can you apply? Like Sindh mein agar hum focus karte hain, to like where can you apply? What is the process? Has the process changed pichle time se? Or like, you know, let's like get into that a little bit because people really do like, you know, ask about DAO and like want to know about it. Lekin jo admission process hai, that hasn't changed much. Yeah. Okay. Seats wagera wahi hain. Jitni seats wagera thi jo aaj se 15 साल पहले थी, वो भी अभी तक ही है. ओके, व्हिच इज अ सैड थिंग. ओके, बच्चे बड़े जा रहे हैं, सीट उतनी ही है, ठीक है, मसला यहाँ पे ये है. तो ज़्यादा प्रोसीजर वगैरह चेंज नहीं आया. हाँ, ये होता है, पॉलिसीज वगैरह चेंज होती रहती हैं. ठीक है, हर साल की नई पॉलिसी आती है. आई कैन नॉट फोर्सी कि इस साल क्या पॉलिसी आनी है, बट आई कैन टेल कि इस साल क्या पॉलिसी थी. तो हर साल एक सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी बनाई जाती है. ठीक है, विच बेसिकली सुपरवाइजर द होल थिंग. दिस इट वॉज जाओ और दैट वाज मैनेजिंग द होल थिंग, मतलब फ्रॉम टेकिंग द टेस्ट, फ्रॉम इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, फ्रॉम एलोकेशन ऑफ सीट्स, हर चीज़ वो कर रही है. तो होता क्या है कि आप सबसे पहले टेस्ट देते हो, आप रजिस्टर करते हो थ्रू द पोर्टल. ठीक है, जैसे जैसे आप पीएमसी में आपने रजिस्टर कर लिया, देन यू हैड टू आपने जाकर टेस्ट देना था, जहाँ पे टेस्ट आपका टेस्ट सेंटर एलोकेट किया गया था. जैसे पहले जब इस टाइम पे मैं दिया करता था, जिस टाइम में आपने दिया होगा, मेरे ख्याल से एनएडी में दिया होगा. एनएडी में पूरा इन द ग्राउंड विद द बिनिया एंड द शामियाना ऑन टॉप. तो वहाँ टेस्ट था और वहाँ पे टेस्ट देने के बाद फिर आपके थोड़े टेस्ट की आ जाती है. फिर आप टेस्ट की देखते हो, आपके नंबर आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है आपका क्या एग्रीगेट बन रहा है. ठीक है, बाकी हमने एग्रीड वगैरह की बात पहले बहुत दफा की है, तो लेट्स नॉट गो थ्रू एग्रीड एंड एवरीथिंग. और फिर एग्रीड वगैरह आ जाता है, फिर आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा ये एग्रीड बनना है. आपको एग्रीड जब पता चल जाता है ना, वो समझ आ जाता है कि आपका एडमिशन कहाँ होगा, क्योंकि एक आइडिया ही हो जाता है कि आपका कहाँ एडमिशन होगा. और दैट्स मोर देन इनफ. तो जैसे इस साल आई सेड कि मेरिट विल प्रोबेबली गो हाई. ठीक है, मैंने लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि टेस्ट बहुत बाहर से आया, बहुत बाहर से आया, वो सेइंग कि टेस्ट नहीं आएगा. yeah. मेरिट ऊपर ही जाएगा. या उतना ही रहेगा या तो ऊपर जाएगा. एंड इट एक्चुअली मेड हायर लास्ट ईयर. तो उसमें होता है कि आपका एग्रीगेट आ जाता है, फिर आपका थोड़ा टाइम बाद एक मेरिट लिस्ट लग जाती है. आपको मेरिट लिस्ट बाद आपको पता चल जाता है कि मेरिट नंबर क्या बन रहा है. ठीक है, थोड़े टाइम बाद यूनिवर्सिटी जो आपकी सुपरवाइजिंग यूनिवर्सिटी होती है, वो एक मेरिट लिस्ट की इंटरव्यू की कॉल लगा देती है, लाइक फ्रॉम मेरिट नंबर 1 to 500 आ जाए. फिर वहाँ जाते हुए आपको सीट जाता है. Okay, that's cool actually. I think one more thing that a lot of people do ask, and I think uska concept mujhe bhi theek se samajh nahi aata, is reciprocal seats. Because wo ek bahut hi like scary sa word lagta tha when I was even applying, and abhi bhi bachcho ko they're like, what? Like reciprocal maths mein suna tha. Ab, I don't remember anything else. Aise kuch maths mein kya suna tha reciprocal ke bare mein? Fractions and you have to reciprocate. Reciprocal nahi, ab change kar de na, jagah change kar rahe hote ho, ye cheez aati hai na, to hum wahin se pura uska वहीं से लेके चलते हैं इसका कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि आपके पास कराची डोमिसाइल होल्डर्स के लिए सीट्स कराची के अंदर एलोकेटेड होती हैं नॉर्मली, जैसे डाओ, सेंजना, केएमडीसी.
ले आ रही, और ये गवर्नमेंट सेक्टर्स ये हैं आपके पास जो कि आपको सीट्स देते हैं कराची डोमिसाइल होल्डर्स को। इसके अलावा आपके पास कराची डोमिसाइल होल्डर्स की सीट कराची के बाहर भी होती हैं, ठीक है, जैसे जामशोर उलम्स, ठीक है, जैसे पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, और इसी तरह आपके पास फातिमा मेडिकल है वहाँ पे लाहौर में, और बुलान है क्वेटा में, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एक सीट है, ठीक है, एजे के मेडिकल की। अब इसके अंदर सीट्स एलोकेट होती हैं किस तरीके, 2 सीट्स हैं बॉयज़ की बुलान में, 10 सीट्स हैं लम्स में, बॉयज़ की बता रहा हूँ मैं अभी, और एक उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सीट बॉय की, ठीक है। इसी तरह लड़कियों की 10 सीट्स है पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ जो चांदकाल यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, ठीक है, 10 सीट्स हैं और 2 सीट्स वहाँ पर हैं लाहौर में। तो बेसिकली होता ये है कि आपको रेसिपोर सीट पर अगर जैसे आपको लाहौर जाना है और आपका यहाँ पे आपने रेसिपोर पर अप्लाई किया हुआ है, तो इफ दे हैव अ सीट वैकेंट दे विल ऑफर इट टू यू। बेसिक प्रोसीजर इतना सिंपल होता है, तो यू जस्ट हैव टू लाइक फिल द फॉर्म। Okay, like is it like does it only depend on if they have a vacancy or if they have that seat specifically they for someone? Like specifically for you. I by vacant I meant ki kisi aur ne abhi tak nahi li. मुझे बुलान मेडिकल की सीट ऑफर की गई थी, ठीक है, जो क्वेटा में है ना, तो वहाँ की सीट मुझे ऑफर की गई थी, तो मतलब लेकिन वो मैंने नहीं ली, तो वो मेरे भी मेरिट नंबर के बाद ऑफर। Complete sense now. Okay, so I think one more thing that really poses a question sab ke liye is like how to study. Like previously bhi humne baat ki thi ki when there's so much material available aapke liye, I think banda confused ho jata hai, and rightfully so also. So I think like if you like just touch upon that, talk about your past experience and like you know how you studied for it, and like we can you know move forward from that. देखिए जहाँ आपने ये वाली जो चीज़ है ना कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक अवेलेबल टू एवरी स्टूडेंट, कि बहुत सारी बुक्स हैं मैं प्रैक्टिस बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैं कौन याद करने वाला मतलब वो नहीं है कि सब्जेक्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस बुक्स की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारा मटेरियल है और हर किसी का अवेलेबल है, ईजी टू एक्सेस है। तो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, जब हर स्टूडेंट को हर एक मटेरियल अवेलेबल है हर किसी को, मतलब अगर मैं देखूं 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चों को हम एक ही बुक्स वगैरह दे दें, हर किसी को टाइम ही तकरीबन एक ही है, सही है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी भी एक जितनी दी जा रही है, व्हाट वन वाइटल थिंग दैट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर? आई मीन द वे दैट दे आर इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, आई सपोज द वे दे आर स्टडीइंग बेसिकली, सही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, that was very inspirational, Aram. I'll just add this, that was very inspirational, that was very TED talk. So this is like one of the most vital things that I have always told people ke MCAT is not about working hard. MCAT is about working efficiently. Yeah. और जब तक ये लोगों को चीज समझ नहीं आएगी ना, लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि एमगेट क्यों नहीं हो रहा। देखो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी इंटर की परसेंटेजेस, ए लेवल के ग्रेड्स, हर चीज़ हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है, हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि हर किसी के पास एक ही किताबें दी जा रही हैं, हर किसी को पता है कोर्स की गाइडलाइन ये है, हर किसी को पता है किताबें ये हैं, इसमें से पेपर आना है, आप पढ़ किस तरीके से रहे हो, दैट्स ट्रू, ये बहुत मैटर करता है। आपके पास भी ये क्वेश्चन आता होगा, मेरे पास भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, और अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड लाइक सेइंग के सेल्फ स्टडी इज बेटर देन कोचिंग सेंटर, देन दे हैव स्टार्टेड सेइंग के यूट्यूब के चैनल से देख लो या यूट्यूब चैनल से पढ़ लो। देयर इज वन थिंग दैट आई डिसएग्री विद दिस, सही है, इवन दो आई लाइक एनकरेज सेल्फ स्टडीज अ लॉट, लेकिन देयर इज वन ड्रॉबैक टू दिस। तो टू एक्सप्लेन दिस ड्रॉबैक आई जस्ट एक्सप्लेन के व्हाई, like from where am I coming from, I repeated MCAT myself, okay, ठीक है, I gave MCAT 2017, okay, and I couldn't get in any government public sectors, ठीक है, I was offered self BDS, I was offered in private जितनी भी सीट्स वगैरह, but I was not offered a public sector seat, ठीक है, and I wanted to get in the public sector, yeah, even though I was a very rebellious kid, I was like I had no intention of getting into medical, but still I was into this race, so I decided to do it anyways, yeah, और I have talked about this before as well, so let's just skip to ke how to study for this. अब आपका होता क्या है, when you आपने मैंने repeat किया, मैंने 2017 में दिया, मैं नहीं हुआ, 2018 में repeat कर रहा हूँ, मैं 2017 में coaching से पढ़ लिया, ठीक है, अब मुझे पता है पढ़ना कैसे है, मैंने 2017 में जब exam दे दिया और मुझे पता चल गया कि मेरी ये गलतियाँ हैं,
सबसे इंसान की ना सबसे सबसे फंडामेंटल जो चीज़ होती है ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है, वो ये देखे कि उसके अंदर क्या खामियां हैं। दैट्स ट्रू एंड दैट इज वेरी हार्ड एक्चुअली। इट्स वेरी हार्ड और इट्स नॉट हार्ड टू रियलाइज द मिस्टेक, इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। या दैट टू लाइक अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पता होती है कि क्या गलती होती है, आप डिनायल में रहना पसंद करते हो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो आप जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि मेरी ये गलतियाँ हैं, तो आप फिर उनको बेहतर कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना मेरी ये गलतियां, कभी बेहतर नहीं कर सकते। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग। दैट्स ट्रू, that's true, I agree. आप सिस्टम को गलत कहते रहो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट ही ना करो, आप क्या रिपीट करोगे? Yeah, this is slowly becoming like a psychoanalysis of students by Arham. तो अब उसमें आपका एक दफा ना एक प्रोफेशनल तरीके से आपको ये चीज जानना लाजमी है कि क्या तरीका है पढ़ने का। Yeah. सही है। अगर आपको लगता है कि यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग थ्रू दिस ऑन योर ओन, गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक। Yeah. But I do not recommend this. Okay. Okay. Yeah. क्योंकि चाहे आप सेल्फ उस पर चले जाओ, इंडिविजुअल ट्यूशन पे चले जाओ, आई वॉन्ट रिकमेंड लाइक अ पर्टिकुलर कोचिंग हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू नीड प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस, कि आपको एक तरीका बताओ कि पढ़ना कैसे है। That's true. आपका टीचर आपको याद नहीं करवाएगा, आपका टीचर आपको बैठ के किताब के तर्जुमा करके नहीं देगा। That's आपका true. टीचर आपको ये बताएगा कि पढ़ना कैसे, क्योंकि वही किताब पिछले 6,000 बच्चों और के पास भी है और वो भी वही किताब पढ़ रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ अलग करना है जो कि आपको डिफरेंशिएट करेगा उन बच्चों के साथ। Yeah, makes sense. तो जब आप उस तरीके को जब गेन कर लो ना, तब सेल्फ स्टडी की तरफ जाओ। I spent a whole year, ठीक है, which was my mistake. I did not study that well in 2017. I did not study at all in 2017. Yeah. I studied in 2018, but the 2017 was the experience where I got to know how to study. Yeah. Okay. सही है। अब how to study की तरफ move forward करते हैं, ठीक है। अब मैं अपना बता देता हूँ how did I study. सही है। I told you के why professional help is needed over self studies. If it's your first time, if you are a fresher, go for a professional help. I won't recommend a coaching here. I would say ke if you are comfortable with individual tuitions, if you want individual attention, go for individual teachers. If you are like if you want to go for a coaching, apne aap ko pehle successfully ke andar lekar aa jao, kaun sa coaching acha, fir wahan ja ke padhna start kar do. Do not become a sheep in a jungle ke bas. Yeah, don't fall for just like advertisement gimmicks. Really see what like cater to yourself and see what aapke liye kya aapke liye kya wo hai. Ab main apna padhne ka tarika bata deta hu. Ho sakta hai ki ye tarika aapke liye comfortable na ho sakta hai, kyunki dekho har kisi ka padhne ka tarika alag hota hai. Ho sakta hai jo cheez mujhe, kyunki mera jo perception level hai mujhe pata thoda zyada tez aega, main cheez padhna start karunga, main मैक्सिमम बहुत जल्दी पिक कर लूंगा। हो सकता है कि आपको चीज करने में टाइम लग रहा हो। तो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये चीज लोगों को जानना लाजमी है कि हर किसी का पढ़ना तरीका अलग है और हर किसी को अपना तरीका क्रैक करना जरूरी है। That's true. I agree. जब तक वो क्रैक नहीं करेंगे, दूसरा तरीका फॉलो करते रहेंगे, they won't get anywhere. That is true. तो how did I study? मेरा पढ़ने का तरीका बड़ा ट्रेडिशनल था, बहुत बोरिंग तरीका था। सही है। आई मेड रजिस्टर्स, सही है, रफ blank registers, and I made a boring index on it. और index का मैं उसका main वजह बताता हूँ कि why did I study in this organized manner, even though I am not organized at all. We can vouch for this. मेरे बाल देख के चल रहा हूँ। तो अब organized होने की वजह क्या थी? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा systematically पढ़ने में help करती हैं। सही है। मैंने book एक दफ़ा मैं biochemistry साथ पढ़ता था, ठीक है, और मैं नोट्स बना लेता था। सही है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक चैप्टर है बायो का एंजाइम्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर बायो का एंजाइम का चैप्टर है, मैंने वो पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, लेट्स स्टेट, क्योंकि एंजाइम छोटा चैप्टर है तो एक बड़ा चैप्टर ले लेते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ले लेते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से। मैं दोनों को पढ़ूंगा, मुझे लगेगा मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये एमसीक्यू बन सकती है, ओके, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल मुझसे पूछ सकता है, मैं वो लिख लेता था लाइन। राइट, ओके। सही है। अब आई मेड अ होल रजिस्टर full of my notes, with every page mentioned with the number 1, 2, 3, and it was mentioned in the index as well. Okay. Okay. जैसे for example 3 registers of matter 1 to 24 page number तक आ रहा था, 1 to 24 लिखा हुआ होगा। Oh wow, I still have those registers वैसे। Arham, I should have known you back when I was giving my MCAT. I'm a little disappointed. तो उसके अब हर इसका ना ये हो जाता है। अब आपने बात बहुत ज़्यादा सुनी भी होगी कि मैंने the coaching I was in, वहाँ पे ना जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था एमकेट के लिए, टेक द नेम बट बीप इट आउट, 2017 में, तो जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो वो ना पुराने स्टूडेंट्स को बुलाते थे अपने, जो उनका कोचिंग कॉलेज वगैरह में एडमिशन हो जाता है ना, तो वो एक लड़का आया था, लड़की आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब
आई उसे रिबेलियस कैडेट टोल्ड यू ना, तो मैं पढ़ने वढ़ने में ना मेरा दिमाग तो लगता नहीं था, तो मैं कोचिंग में बैठा हुआ था, वो आते हैं भाई साहब या भाई बहन साहब, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो कहते हैं कि दे यूज टू स्टडी फॉर 17 आवर्स अ डे A day. अ डे, Wait, what? एंड दे सेड कि दे रिपीटेड दिस बुक लाइक 7 or 8 times, एंड एट दैट पॉइंट आई न्यू आई वॉज टूट सही है. 24 hours in the day and they studied 17. हाँ, Oh I don't my know how the fuck, God. but I mean, still. honestly, like, hats off to that dedication as well. I know I could never do it, but I respect it. But also, like, I I question couldn't even it. respect it No, because I couldn't even begin to think of studying for 17 hours a day. सही I है. respect it, but I question it. I respect it, but I question तो it. at that moment I knew I cannot do it. Yeah. सही है. अब मेरा वही चीज़ है ना, respectively हो सकता है आप हाँ. जो 17 घंटे लग रहे हैं ना करने में, हो सकता है मेरे 2 घंटे में हो जाए. देयर इज Yeah. नो ऑफेंस टू हंड्रेड दिस परसेंट भाई, मेरे 2 घंटे में हो जाएगी ना चीज़, मैं खुश हूँ. या ठीक है, तो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, लाइक मैंने सारे नोट्स वगैरह बना लिए थे उसके, मैंने रिपीट करने वाली बुक, रिपीट करने वाली बात क्यों बोली थी मैंने, इस वजह से कही थी, मैंने बुक एक दफ़ा ही पढ़ी थी, या मैंने नोट्स बना लिए थे, मैंने रिपीट अपने नोट्स से किया था. ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्यों, क्योंकि नोट्स मैंने खुद बनाए थे, या तो मेरे लिए नोट्स पढ़ना ज़्यादा आसान था एज कम्पेयर टू द बुक. या वंस हंड्रेड आई मेड द परसेंट नोट्स आउट ऑफ द बुक आई न्यू के व्हाट्स द इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट, या मैंने तो पूरी ट्रू तकरीबन बुक ही लिख दी थी, तो लाइन लिख लिख के मुझे पता था कि क्या क्या या इंपॉर्टेंट है. अब मुझे, मेरे लिए बुक यूजलेस थी, या तो मेरे लिए नोट्स थे, जो चीज़ थी मेरे नोट्स है ना, यूज टू रिपीट दैम. या वंस आई मेड ऑल द बुक्स इट टुक मी लाइक 2 or 2.5 months टू लाइक कंप्लीट द बायो एंड फिजिक्स. ओ बायो एंड केमिस्ट्री, या फिजिक्स में के नोट्स नहीं बनाता था, फिजिक्स में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस किया करता था. या ठीक एंड आई है, थिंक पीपल जनरली लाइक फिजिक्स से लोग डरते भी हैं ओवरऑल. फिजिक्स ज़्यादा आसान है वैसे, रियली? ये वो है कि इंडिविजुअल राइट. या ओपिनियन की बात है, थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन I भी है. personally always found inter physics much harder than I found A level physics. I used to love A level physics, लेकिन inter physics मुझे इतनी मुश्किल लगती थी पढ़ने में, और it was very very hard for me to grasp onto the concept because I was like, नहीं नहीं but I haven't studied this in A levels. And I used to get very like, this is so much for me. How will I ever do it? Physics was always, I think, one of like my hardest subject for me in inter for sure. खैर ये एक अलग डिबेट है, Of मैं वैसे फिजिक्स course, वगैरह के बारे yeah. में बात करूँगा काफ़ी वो हो जाएगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यार हर किसी का ना, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को बायो अच्छी लगती हो, Yeah, that's I वो think उसको what ज़्यादा I was आसान trying लगती to हो, prove मुझे as फिजिक्स well. आसान लगती थी. Exactly, like you found physics हाँ, easy, I found it hard. So that's why like it's so important to realize कि क्रैक योर like ओन मेथड ऑफ स्टडिंग, exactly दैट्स crack व्हाट आई your वाज own method सेइंग. of studying. That's really important. क्योंकि देखो Yeah. हर किसी का अलग तरीका है ना, मैं सुबह उठ, मैं कोई ये नहीं सुबह 6 बजे उठता था पढ़ने, Yeah. मैं आराम से 2 बजे पढ़ने बैठता था, और Yeah. मैं मेरी मैक्सिमम पढ़ाई 10 बजे तक होती थी रात में, Yeah. उससे बीच में खाना भी खा रहा हूँ, क्रिकेट भी खेल रहा Yeah. हूँ, हर चीज़ कर रहा Yeah, हूँ, yeah, yeah. तो कोई ऐसा नहीं है मैंने बहुत प्रेशर लेकर पढ़ रहा हूँ. Yeah. मेरा पॉइंट ये है कि मेरा एक टारगेट होता था, मेरा दिन में होता था कि मुझे 2 चैप्टर खत्म करने या मुझे 3 चैप्टर Okay, खत्म yeah, करने, that's आई यूज टू great. कंप्लीट दैम, चाहे मैं वो 2 घंटे में कर लूँ या चाहे मैं 10 घंटे में कर लूँ, Yeah. चाहे मुझे जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, मैं सोता नहीं था. Okay, yeah. इसका मैं मेन मकसद बता दूँ, मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को धोखा नहीं दे, Yeah, unrealistic expectations really, really take अपने it आप out को of धोखा you. देने का मेरा मतलब ये है कि देखो यार, आपने अपने आप को बोला कि मैं 3 चैप्टर्स कर लूँगा, आपने 3 चैप्टर्स, मैं ना रजिस्टर पहले 3 चैप्टर लिख लेता था इंडेक्स में कि मैंने ये करने, ताकि मैं हटा ना सकूँ, ये मेरी अपनी पुश करने की वो Yeah, थी no, I तरीके थे, appreciate आई जस्ट that. पुश माई सेल्फ Yeah. लाइक दिस, तो मैं लिख देता था, और मैं सोता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सोऊंगा ना, अगर बोलूँगा मैं अभी सो जाता हूँ बाद में कर लूँगा, तो वो तो कल चला गया ना, मैंने तो आज डेट Yeah. के साथ डाल दिया ना, वो True. अपने आप को धोखा नहीं Oh. दूंगा. तो अरहम का देयर आर इंडेक्स फ्यू वाज ट्रूली थिंग्स डूइंग के इट जो फॉर कि मैं हिम. आगे भी लोगों को गाइड, जो आगे टेस्ट वगैरह देंगे, यू नीड टू हैव अ फ्यू थिंग्स इन योर कैरेक्टर. या फर्स्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, दिस इज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, या आपको डिटर्मिनेशन के साथ करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना. या अगर आपने चीज़ फैसला किया है कि आप करोगे तो ये करो, या ट्रू. छोड़ो नहीं उसे, ठीक है. और दूसरी सबसे मोस्ट वाइटल थिंग है ना मेरे लिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके या एंड दैट इज लैकिंग लाइक स्पेशली एमकैट के दौरान लाइक बहुत. बहुत स्ट्रेसफुल आप टाइम सेल्फ होता डाउट में है. रहते हो, आप या इनसिक्योर होते हो, आप दूसरों को देख रहे होते हो, आप कंपटीशन में होते हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इनसिक्योरिटीज की उसमें चले या जाते हो, ट्रू एक एंड एरा इट्स में वेरी चले जाते हार्ड हो. नॉट टू ऑल्सो बट आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट लाइक बिकॉज ऑब्वियसली अब आप इतना एक बड़ा एग्जाम लाइक इट डज मेक और ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ मैं पीपल. लास्ट वाली पॉडकास्ट में ये वाला सेंटेंस बोला था, आई विल रिपीट दैट, कि देर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु आई यूज टू स्टडी विद, एंड ही यूज टू टेल मी कि देर यूज टू बी 228 सीट्स इन दाओ एट दैट टाइम. ठीक है, ओके उस वक्त 228 सीट हो गए, अब तो 237 हो गई ना, तो वाह. अब उस वक्त 228 सीट्स हुआ करती थी. तो देर वॉज इज वन थिंग ही यूज टू से,
एंड आई रियली यूज टू एडमायर हिज कॉन्फिडेंस बिकॉज आई न्यू आई डिड नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी विच आई एक्चुअली हैड टू बिल्ड लेटर ऑन इन द नेक्स्ट ईयर क्योंकि ही गॉट एडमिशन ऑन द फर्स्ट आई डिड नॉट आई न्यू के व्हाट वाज द थिंग दैट डिफरेंशिएटेड बिटवीन अस दैट वाज सेल्फ कॉन्फिडेंस ओके सो ही यूज टू से के अगर 228 सीटें हैं ना डाउ में तो 227 गिननी तुम्हें लाइक मैं अगर तुमसे बोलूँ ना कि कितनी सीटें डाउ में क्लेम 227 क्यों क्योंकि एक सीट तुम्हारी है ओह वाओ ओके दिस वाज अ कॉन्फिडेंस ही यूज्ड टू हैव व्हेन ही वाज स्टडीइंग नाउ दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड से कि दिस ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस दिस इज समथिंग एवरी पर्सन शुड हैव इन देयर कैरेक्टर या 100% जब तक उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना यू कैन नॉट गेट थ्रू दिस दैट्स ट्रू दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल अगेन अरहम तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत लाजमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिटरमिनेशन ठीक है ये दो चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ज़रूरी हैं ट्रू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ठीक है सेल्फ डिटरमिनेशन के अंदर मैनर्स भी आ जाते हैं सब कुछ आ जाता है डिसिप्लिन टू स्टडी ये डिसिप्लिन आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह आ जाता है कि आपको एक टाइम पर उठना है पढ़ना है ये चीज़ ख़त्म करनी है इस चीज़ को मैं ज़्यादा ख़त्म नहीं कर रहा मुझे और कोई चीज़ नहीं करनी अपने आप को धोखा नहीं देना बेसिकली मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ देखो आप हज़ार चीज़ें करो आप हर चीज़ करो लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दो वंस यू स्टार्ट फूलिंग योर सेल्फ ना आपको लगता है आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो दैट्स वेरी ट्रू एंड इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट डूइंग दैट बिकॉज आई फील लाइक इट्स सो इजी कि हम लोग बस बोलते कि नहीं नहीं विल डू इट व्हेन इन रियलिटी वो नहीं होता है दैट्स ट्रू और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आपको टेस्ट में बहुत हेल्प करता है शर्बानो मैं तुम्हें एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ तुम अभी अल्तमश का एग्जाम देती हो टेस्ट देने के बाद पेपर देने के बाद अपना जब तुम पेपर के बाद कुछ क्वेश्चन सोचती हो तुम्हें याद होता होगा यार ये मैंने गलत कर दिया तो मुझे आता था या 100% कैसे गलत हुआ यू डिड नॉट गिव इट प्रॉपर टाइम दैट्स ट्रू पढ़ने को नहीं सवाल पढ़ने को दैट्स ट्रू दैट इज ट्रू जब आपका सेल्फ डिटरमिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दो चीज़ें होती हैं ना तो आप सवाल भी सही से पढ़ते हो एक तो डिसिप्लिन आता है आपके अंदर या डिसिप्लिन सही से पढ़ना आपका कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर दैट्स ट्रू फॉर श्योर आप अपने कॉन्फिडेंस बिलीव करना चाहते हो क्योंकि जो आपका गलत होता है वो क्यों होता है आप सेल्फ डाउट में होता है ये वाला आंसर था ये वाला आंसर था दैट्स ट्रू या कॉन्फिडेंस होगा तो आपको पता होगा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ठीक है आपकी फॉर श्योर ये चीज है और कोई क्वेश्चन I mean, you covered the repeating topic, which I think a lot of people talk about. There's just one little question, which I think Arham will hate me for asking him this. It's the age thing. Like, I feel like बहुत लोग सोचते हैं कि like I don't know if it's true or not, but like I was under the impression that it's true. कि if you are older, like let's say you're repeating the MCAT, like you have like the chance of having a higher merit number if like someone has the same score as you. So like let's talk on that. Let's talk about the chance of having same exact same स्कोर है समझ लाइक ठीक है 83.23598769 डिजिट तक जा रहे हैं आप मेरिट लिस्ट में तो तीन नंबर तक लिखे हुए होते हैं चार नंबर तक लिखे हुए उनके डेटा के पास नाइन डिजिट लिखे हुए होते हैं बहुत सा चांस ऑफ हैविंग नाइन सेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज वेरी वेरी लो फॉर श्योर तो अगर जब तक आएगा ना तो मेरे हाल से ऐसा मेरे हाल से कोई केस आया नहीं वैसे मैंने भी सुना है ये चीज़ के कुछ लोग कहते हैं अल्फाबेटिकली ऊपर कर देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि वो एज वाइज ऊपर कर देते हैं बट आई एम नॉट रियली सर्टेन अबाउट दिस क्योंकि दे हैव नेवर मेंशन दिस इन एनी ओके गाइडलाइंस वगैरह ठीक है ओके मेक सेंस ओके सो लाइक आई थिंक वी आर रैपिंग दिस अप नाउ बट लाइक वन लास्ट थिंग आई वुड आस्क यू इज दैट कि द कमिंग क्लास दैट्स गोइंग टू गिव देयर एमकैट नाउ होपफुली सून सो लाइक व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम लाइक जस्ट समथिंग दैट यू वुड वांट देम टू नो बिफोर लाइक यू नो दे आर सिटिंग फॉर दिस एग्जाम पहली ये चीज के वंस यू आर इनटू दिस डू नॉट थिंक ऑफ एनी सेकंड ऑप्शंस या दैट इज सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग कि अगर आप इस चीज में आ गए ना कि आपने ये चीज करनी है देखें आप तुमने तो फिर भी ए लेवल्स किया है जो इंटर पढ़ रहे हैं ना इंटर में प्रैक्टिकल सेंटर के हर कोई नोट्स पढ़ रहा होता है तो जिनका प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स है ना उसमें एक इंग्लिश का एक चैप्टर है और उसका पहले क्वेश्चन के नीचे कोटेशन लिखी हुई है ठीक है वो ये है कि फील्ड्स आर वन बाय दोस हु ओनली बिलीव इन विनिंग ओके सही है आप कोई किसी रेस में इस प्लान के साथ नहीं भागना स्टार्ट करते मैं हार जाऊंगा देखो देयर इज अ चांस 50% ना कि आप जीतोगे या तो हारोगे व्हाई नॉट बैट ऑन द 50% एट पॉजिटिव साइड या व्हाई वुड थिंक अबाउट द 50% एट ऑन द नेगेटिव साइड दोनों चांस ही हैं तो लेट थिंक समथिंग पॉजिटिवली दैट्स ट्रू और दूसरी चीज तो ये हो गया कि देयर इज नो गोइंग बैक ठीक है कि वंस यू इन इट
करना है. या स्टार्ट विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टार्ट विद द सेल्फ डिटरमिनेशन दैट आई टोल्ड यू अबाउट, के स्टार्ट विद योर सेल्फ डिटरमिनेशन. ठीक है, डू नॉट लाइक स्वे अवे फ्रॉम योर मेन गोल. जो आपने मेन गोल सोचा वही बात है, डू नॉट लाइक गो बैक ऑन योर वर्ड्स. इफ यू हैव लाइक डिसाइडेड टू डू दीस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डे, गेट देम डन. ठीक है, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन गेट दैट डन, दैट्स ट्रू, नो वन एल्स. नाउ ये किस्मत नसीब और दुआ करने से एडमिशन में इन्फ्लुएंस है, लेकिन मेहनत करो. दैट्स ट्रू, अपनी मेहनत करके आपको एग्जाम देना है. तो ये जितनी बाकी सारी चीजें ना, सिस्टम ये वो, लेट्स जस्ट पुट देम असाइड. दे प्ले अ वेरी स्मॉल पार्ट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. लेट्स जस्ट पुट देम असाइड एंड जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम. या फॉर श्योर, इट्स नॉट फॉर योर लाइक, अपना सोचो ना, अपना एग्जाम दो ना. ये बाकी चीज सुनो, सोच लो, अभी सब कुछ छोड़ दो. That's अभी ये सोचो कि तुम्हें एग्जाम देना है आगे. ठीक है, उस पर फोकस करो आगे जाके. इसके अलावा ये कि आगे जाके पीएमसी पीएमडीसी का इशू हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, तो ये बात मैं पिछले 3 साल 2020 से ही बात कह रहा हूँ हर किसी को. हम लोग ये यूज़र में भी ये बात अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हर चीज़ पढ़नी है. फेडरल ही पढ़ना है. पीएमसी ये जो जैसे आपको ना सेन की बुक्स लाजमी पढ़नी है. ठीक है, फॉर श्योर. तो ये मेरा वैसे पर्सनल तरीका था पढ़ने का, जो मैं आगे लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि हर चीज़ ख़त्म करो, ताकि आप सिंध से भी तैयारी आपकी हो, आपकी फेडरल के रिलेटेड. आप पीएमसी की गाइडलाइन है फेडरल की, वो फेडरल से पढ़ लो. ठीक है, वही टॉपिक्स जो सिंध में वो नहीं पढ़ो, जो सिंध में एडिशनल टॉपिक्स है वो सिंध से पढ़ लो. सिंध भी खत्म हो गया, फेडरल भी खत्म हो गया, दो ही तरीके से एग्जाम आ सकते हैं ना. अगेन वर्किंग एफिशिएंटली बेसिकली अराउंड बोथ द बुक्स. दोनों में अगर फेडरल से एग्जाम आया तब भी, और से अगर पीएमसी का पीएमडीसी एग्जाम आया प्रोविंस तब भी, और से व्हाई वुड यू टेक अ रिस्क. ट्रू, भाई आप एक दफा में दोनों तैयारी कर लो ना. मैं कह रहा हूँ फेडरल पीएमसी की गाइडलाइन पढ़ो, और एडिशनल टॉपिक्स जो हैं जो कि उसमें गाइडलाइन में नहीं है वो वहां से पढ़ लो, प्रोविजन से पढ़ लो, सिंध से पढ़ लो. या मेक सेंस. एक महीना और लगेगा. दोनों तरीके से खत्म हो, आपने तैयारी कर ली. इस साल भी बच्चे मैंने देखा था रो रहे थे जब, हालांकि इवन दो इफ यू रिमेंबर वी टुक द लाइव सेशन, वी टोल्ड पीपल टू कंप्लीट द सिन. इफ यू रिमेंबर वी टोल्ड पीपल टू डू द सिन. आई टोल्ड दैट लाइक 9 or 10 टाइम्स डू द सिन, टू डू द सिन, टू डू द सिन, टू डू द सिन. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एग्जाम हो गया, पीपल केम टू मी एंड सेड कि सिन से क्वेश्चन आए थे. या ट्रू. Yeah, true. Honestly, if you don't take the guidelines, then like there's not much you can do. And I just feel like ke padh lo, like, you know, that's just the thing. Like, that's the only thing that we, or like even you as someone who's guiding them, you can just guide them. You can't make them do it. There's a thing, na, yehi to baat hai. Dekhen, aapka teacher nahi padhayega aapko, aapka guidance jo dene baitha hai, wo baith ke nahi padhayega. Aapka karna khud hai, khud se karni hai. That's true. But yeah, I think that was great. Thank you, Arham. Thank you, me. but we hope that this infocast will like help you. If you guys have any other questions, you guys can reach out to like our phone numbers, you guys can email us or anything. We'll be happy to help you guys. Agar kisi ko specific madad chahiye kisi cheez mein, you can reach out to Arham. For more such infocasts, please like and subscribe, and well, follow our Instagram and our YouTube.